Hi, this is Arshi, your host for this video. And आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मिडसॉम के बारे में बात करेंगे जो कि MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, MIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था, AICTE अप्रूव्ड है, MBA MCA कराता है और एक और कुछ PGDCA करके एक प्रोग्राम है वो भी ऑफर करता है. अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर जो है वो MBA का इनका 7 लाख का है 2 साल का, हॉस्टल वगैरह सब मिला के सेम है मिडसॉम की तरह 9 लाख के 9.5 लाख के आसपास आपको पड़ेगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बॉस 50% ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर के हो अप्लाई कर सकते हो. उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, कैट सीमैट मैट जैट सभी एक्सेप्ट करता है. अदरवाइज आप इनका खुद का भी एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद GDPI के लिए जाते हो एंड उस बेसिस पे ही आपको इनरोल करते हैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए. तो ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी बी स्कूल्स के लिए सेम है, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये फॉर्मेलिटी है, मतलब ये सिर्फ नाम का प्रोसेस है. तो इस इंस्टीट्यूशन का भी एक तरह से वही सिनारियो है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का हो जाता है. कई बार ये हो जाता है कि अगर आपको ये वाला इंस्टीट्यूशन नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि आपने GDPI में परफॉर्म नहीं किया है, तो वो मिडसॉम आपको दे देते हैं, बट ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज तो मिल ही जाता है. अब एक और क्वेश्चन है कि बॉस कॉम्पिटिटिव में कितने मिनिमम चाहिए, बिकॉज MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम है, इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है ब्रांड है कॉलेज का, दैट इज़ फॉर श्योर. तो ऐसा कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं है कि 60 होनी चाहिए कैट में, आई गेस 40, 50, 60 सभी परसेंटाइल के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. क्राउड काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्यूटीफुल लोकेशन में इस्टेब्लिश है पुणे महाराष्ट्र में. सो हम बात करें अगर इवेंट्स की तो काफ़ी हैपनिंग क्राउड है इंस्टीट्यूशन का, 90% अटेंडेंस कंपल्सरी है, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, देन कल्चरल इवेंट्स होते हैं. तो ऑल इन ऑल इंस्टीट्यूशन काफ़ी हैपनिंग है. अगर आप ऑब्वियसली चिल आउट करने के लिए सोच रहे हो तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. बट अगर हम लाइक प्लेसमेंट्स की बात करें तो ये 5.5-6 लाख क्लेम करते हैं, बट ये मिडसॉम की तरह यहाँ पे भी प्लेसमेंट वही है कि 4 लाख का भी मिलता है, 3.5 लाख का भी मिलता है. तो ये थोड़ा सा यू नो एक पॉइंट है, और ऑब्वियसली प्रोफाइल्स भी एक पेन पॉइंट है. बॉस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, मैं इस वीडियो में बोलती हूँ कि आप हर चीज़ कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हो, बिकॉज यू नीड टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन. तो उसके लिए नीचे एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप में आपकी हेल्प के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस नंबर पर जाना है. अगर आप इस कॉलेज की डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो, मीन्स रिव्यूज चाह रहे हो जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं, तो प्लीज़ उसके लिए आप व्हाट्सएप करो. व्हील्स चाहिए PDF जिसमें इस कॉलेज की सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है. तो ये था उनका एवरेज प्लेसमेंट. तो 9 लाख रुपए लगा कर लेट्स से आपको 5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है तो फिर भी ठीक है, जो कि बाकी इंस्टीट्यूशन में भी है. बट अगर आपको 4 लाख का मिल रहा है, 4.5 लाख का मिल रहा है, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है. अपार्ट फ्रॉम इट ऑल इन ऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसके जो गेस्ट फैकल्टीज़ है, जो कारिकुलम है, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है इस इंस्टीट्यूशन की. ब्रांड वैल्यू भी है, तो स्टूडेंट्स मांगते भी हैं ये इंस्टीट्यूशन. तो ये था मिडसॉम के बारे में. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए. आगे वाले वीडियोज़ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में रियलिटी वीडियोज़ लेकर आऊँगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आपकी कोई क्वेरी है कि मैं कैसे एक राइट बी स्कूल चूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने हर बार बोला है कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो और आप दोबारा से PGDM या MBA दोबारा से नहीं कर सकते हो. बॉस आप कितनी डाइवर्स फील्ड से स्टूडेंट्स आते हैं, इंजीनियरिंग, BSc, BCom, BA, क्योंकि वो अपनी अपना करियर मैनेजमेंट में देखना चाहते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहते हैं जहाँ उनको प्लेसमेंट अच्छा मिले. और क्योंकि वो अपना लोन लेके आ रहे हैं तो आपको 100% प्लेसमेंट तो चाहिए होगा, तो उसके लिए प्लीज़ कौन से इंस्टीट्यूशन टारगेट कर सकते हो नीचे नंबर दिया है, काउंसलर से प्रोफाइल डिस्कस करो और बताओ कि मैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन टारगेट कर सकता हूँ. चाहो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं जब भी फ्री होंगी आई विल मेक श्योर कि मैं आपके क्वेरीज को व्हाट्सएप पे देखूँ और मैं आपको पर्सनली रिवॉर्ड करूँ कि आप कौन कौन से राइट बी स्कूल टारगेट कर सकते हो विथ गुड ROI. और अगर आप स्टूडेंट हो जो इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो तो एक रिव्यू का फॉर्म भी नीचे दिया है बॉस, आपको जाना है, वो रिव्यू भरना है. उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल या आने वाले सालों में इस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं उनकी बहुत हेल्प होगी, बिकॉज वो एक राइट डिसीजन ले पाएंगे. हाँ, मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि आपकी आइडेंटिटी अनोनिमस रहेगी, बट प्लीज़ जाके रिव्यू दो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो इस साल MBA प्लान कर रहे हैं प्लीज़ शेयर करो, बिकॉज़
आपके करियर के साथ साथ आपके दोस्तों का भी करियर इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे जानना चाह रहे हो। सो इफ यू लाइक इट गिव अ थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। थैंक यू।